हेलो एवरीवन वेलकम टू अर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट सो दिस वीडियो इज़ विद रिगार्ड टू द पी वाई क्यू दैट यू आर आस्किंग फॉर और यहाँ पे हम लोग एमएसओ एस ओ फोर के यानी सोशलॉजी इन इंडिया के पीवाई की बात कर रहे हैं एज यू कैन सी दिसंबर 2021 का आपका क्वेश्चन पेपर है अब द थिंग इज कि देखिए जो लास्ट मोमेंट uh, पे एग्जाम की जब तैयारी करनी होती है तो द बेस्ट वे टू प्रिपेयर फॉर एनी एग्जाम इज टू गो थ्र पी वाई जितना ज्यादा पी वाई को देखेंगे आपको क्वेश्चन क्वेश्चन के पैटर्न कौन सा क्वेश्चन रिपीटेटिव रिपिटेटिव वे में आ रहा है किस टॉपिक से मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं यू विल बी फेमिलियर फॉर दैट देखिए जनरली मैं यूट्यूब और पेड क्लासेस पे कवर करवा रही हूँ क्वेश्चन विद आंसर विथ Institutions. राइट दैट इज ऑलरेडी गोइंग ऑन आप काफ़ी स्टूडेंट पार्ट हैं वहाँ पे वो सब चीजें चल रही हैं बट दिस इज फॉर द स्टूडेंट जो पार्ट नहीं है या फिर जो पार्ट है उनके लिए भी कि आप एक कंपेरेटिव स्टडी चीजों की और टॉपिक की और क्वेश्चन की कर पाओ राइट बिकॉज वेरी फर्स्ट थिंग टू प्रिपेयर फॉर एनी एग्जाम इज टू गो टू द गो थ्रू द पी वाई क्यू किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए सबसे पहला जो स्टेप होता है वो सिलेबस पता करने के बाद यही होता है कि उस एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके के आ रहे हैं हम वो चेक कर ले राइट right? पैटर्न वही है सौ क्वेश्चन आने हैं पाँच सौ नंबर का पेपर है दस क्वेश्चन आते हैं पांच वो करने होते हैं पांच क्वेश्चन जो होते हैं वो बीस बीस मार्क्स के होते हैं बीस मार्क्स में आपको पांच सौ वर्ड लिमिट कवर करनी होती है ये सबसे चैलेंजिंग चीज हो जाती है कि पांच सौ वर्ड लिमिट मतलब इतना हम लोग कैसे आंसर राइटिंग जो है वो आ, करें सो दैट इज द थिंग दैट आई एम गोइंग इन द पेड मतलब आई एम डूइंग इन द पेड क्लासेस कि आपको उस टॉपिक के रिगार्डिंग प्रॉपर कंटेंट भी मैं प्रोवाइड करा पाऊँ चलिए सो लेट सी द फर्स्ट क्वेश्चन

के बारे में जो उन्होंने जाना था और अपने कंसेप्ट लाइक संस्कृताइजेशन वगैरह डोमिनेंट कास्ट ये सब कंसेप्ट श्रीनिवास ने दिए थे तो देयर आर मेनी व्यूज़ टू स्टडी अबाउट एनी कल्चर और एनी सोसाइटी तो इंडियन कल्चर क्योंकि ये सोशोलॉजी इन इंडिया की बात कर रहा है ना इंडियन कल्चर और इंडियन सोसाइटी को स्टडी करने के लिए यहाँ पे आपको uh, जो वेस्टर्न स्कॉलर ने अप्रोच यूज करी है उसको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है दिस इज द क्वेश्चन देन कास्ट क्लास एंड जेंडर आर द थ्री पिलर ऑफ इंडियन सोशल स्ट्रक्चर डिस्कस सबसे पहले सोशल स्ट्रक्चर क्या होता है इससे यू विल प्रोसीड सोशल स्ट्रक्चर के कॉम्पोनेंट क्या होते हैं और फिर पिलर को आपको एक्सप्लेन करना है कि इसके पिलर्स क्या होते हैं कि इसके पिलर्स है कास्ट क्लास है जेंडर कास्ट किस तरीके से एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है सोशल स्ट्रक्चर को फ्रेम करने में अगेन कास्ट जो होती है वो बाय बर्थ होती है ये स्क्राइब्ड स्टेटस होती है दैट यू कैन नॉट चेंज क्लास जो होती है वो इनकम होती है ड्यूरिंग योर लाइफ टाइम आप अपनी क्लास मतलब आप कौन सी क्लास से बिलोंग करते हो अपर क्लास लोअर क्लास मिडिल क्लास ये सब चीज़ें तो हम ड्यूरिंग द लाइफ अपनी लाइफ में एजुकेशन के थ्रू जॉब के थ्रू इनकम करके चेंज कर सकते हैं एंड देन जेंडर तो ये आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है तो, जस्ट वेट देन इफ वी लुक टू द अच्छा ये पेपर में सारे हिंदी इंग्लिश दोनों में है ठीक है आप हिंदी मीडियम वाला बच्चा भी रीड कर सकता है बाद में डोंट वरी अबाउट दैट मैं क्वेश्चन पेपर शेयर कर दूंगी देन द थर्ड क्वेश्चन अगर आप लोग देखोगे थर्ड क्वेश्चन है राइट अ क्रिटिक मैं सारे ही बता रही हूँ आपको करने पाँच होते हैं राइट अ क्रिटिक ऑफ ब्रामेनिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ कास्ट सिस्टम ये मैंने यूट्यूब पर भी कवर करा है राइट right? कि कास्ट सिस्टम को इंटरप्रेट करने के एक अलग अलग सिस्टम है किसी ने पॉजिटिवली चीज़ों को बताया किसी ने सपोर्ट करा किसी ने क्रिटिसाइज भी किया तो ये जो ब्राह्मणिकल व्यू पॉइंट ऑफ स्टडिंग कास्ट है क्योंकि ब्राह्मण वो टॉप ऑफ द कास्ट शिरार की अगर आप देखोगे तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्राज जो थे ये सिस्टम था तो ब्राह्मण्स तो ऑलवेज लाइक सपोर्टिंग एंड में होंगे ना इसके जब उनको टॉप पोजिशन मिल रही है तो वो क्रिटिसाइज़ करेंगे क्यों इस सिस्टम को तो यहाँ पर ब्राह्मनिकल व्यू पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कास्ट सिस्टम आपको बताना है देन एलिस्टेट फिक्सड फील्ड एंड टेक्स्ट व्यूज ऑन द फैमिली स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया विथ सूटेबल इलिस्ट्रेशन अभी मैंने आपको फील्ड और टेक्सट व्यूज स्टार्टिंग में बताया टेक्स्ट बुक व्यू होता है जब आप किसी चीज़ को बुक से पढ़ रहे हो वैन समथिंग इज रिटर्न और आप उनकी स्टडी कर रहे हो उस टॉपिक पे और फील्ड व्यू होता है यू आर गोइंग समवेयर आप कहीं जा रहे हो एंड देन उसकी स्टडी कर रहे हो आप कहीं जा है, field रहे हैं फील्ड में रह रहे हैं एंड देन यू आर स्टडिंग अबाउट द सिस्टम तो वो होता है आपका फील्ड uh, व्यू अब यहां पे बुक व्यू और फील्ड व्यू के अंतर पे आपको उतना फोकस नहीं करना है राइट right? बुक व्यू और फील्ड व्यू पे नहीं करना है बुक व्यू एंड फील्ड व्यू विद रिगार्ड टू द फैमिली स्ट्रक्चर तो आप यहां पे कुछ थिंकर्स के नाम भी यूज करोगे जिन्होंने फैमिली स्ट्रक्चर्स को लेके कुछ आप टाइप्स बताए होंगे या जिन्होंने कुछ स्टडी करी होगी जिन्होंने कोई अपनी रिपोर्ट रेडी करी है विद रिगार्ड टू फील्ड व्यू और बुक व्यू यूज करके तो वी नीड टू यूज दैट ऑल्सो लिखा है विद सुटेबल इलस्ट्रेशन सुटेबल इलस्ट्रेशन प्लस लिखा कहीं नहीं होगा कि थिंकर्स के नाम यूज करने हैं बट हमने टॉपिक पढ़ा है हमने देखा है तो टू सपोर्ट अवर आंसर मतलब हम लोग अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए हाँ पे थिंकर्स को भी कोट करके चलते हैं डिस्कस वेरियस नॉर्म्स रेगुलेटिंग मैरिज सिस्टम इन इंडिया मैरिज मैरिज के टाइप होते हैं मैरिज के रिगार्डिंग कुछ नॉर्म्स भी होते हैं लाइक like, uh, uh, एक तरीके से हम देखें कि मैरिज कहा अलाउड नहीं है एंडोगेमस एक्जोगेमस मैरिज के बारे में आप यहाँ बता सकते हो उनको एक्सप्लेन कर सकते हो इन ग्रुप आउट ग्रुप मैरिज का कंसेप्ट जो है उनके टाइप्स क्या हैं राइट right? वो सब यहाँ पे आप एक्सप्लेन कर सकते हो तो वेरियस नॉर्म्स रेगुलेटिंग द मैरिज सिस्टम इन इंडिया यहाँ पे आएगा देन हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन वेरियस चैलेंजेस इनकाउंटर्ड बाय द ट्राइबल कॉमंस इन इंडिया ट्राइबल कॉमन जो है वो क्या क्या चैलेंजेस फेस करते हैं आप इस आंसर को डिवाइड भी कर सकते हो प्री इंडिपेंडेंस पोस्ट इंडिपेंडेंस में प्री इंडिपेंडेंस में उनको भी और right राइट से अलग रखा जा रहा था पोस्ट इंडिपेंडेंस में डिसप्लेसमेंट वगैरह वाला इशू भी आ रहा था मर्ज uh, को लेके भी इशू आ रहा था ट्राइबल को मर्ज करने को ले कर थ्योरी uh, uh, मतलब आपके uh, लोग अलग अलग थ्योरी भी दे रहे थे कि इनको एस्टिमिलेट करना चाहिए आइसोलेट करना चाहिए उन थिंकर्स के नाम हम कोट कर सकते हैं ये चीज़ यहाँ पे है डिस्कस एलविन एंड घुरे व्यूज़ ऑन ट्राइबल डेवलपमेंट इन इंडिया आप सीधा सीधा नाम देखे उसने बोला ट्राइबल डेवलपमेंट की बात है अब वेरियर एलविन क्या कह रहे थे ट्राइबल डेवलपमेंट को लेकर और जी एस घुरे क्या कह रहे थे ट्राइबल डेवलपमेंट को लेकर तो इनके व्यूज़ को आपको एक्सप्लेन करना है कंपेरिटिवली एनालाइज मेजर सोशलॉजिकल अप्रोचेज टू स्टडी रिलीजन इन इंडिया रिलीजन को स्टडी करने की जितनी भी अप्रोचेज होती है आप कह रहे हो फंक्शनलिस्ट है मार्क्सिस्ट जिस भी परस्पेक्टिव से आप स्टडी कर रहे हो जो भी सोशोलॉजिकल अप्रोच अवेलेबल है यू नीड टू एक्सप्लेन द अप्रोचेज टू स्टडी अदर रिलीजन रिलीजन को स्टडी करने की हमारे पास कौन कौन सी अप्रोचेज अवेलेबल हैं देन एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन द ग्लोबलाइजेशन कल्चर एंड आइडेंटिटी इन कंटेम्प्रेरी इंडिया नाउ वी हैव द थ्री वर्ड आपको ग्लोबलाइजेशन कल्चर एंड आइडेंटिटी अब तीनों को अलग अलग एक्सप्लेन करना नहीं स्टार्ट कर देना है वी नीड टू मर्ज दिस टर्म हाउ दीज थिंग्स आर रिलेटेड हाउ ग्लोबलाइजेशन इज इम्पैक्टिंग द कल्चर एंड आइडेंटिटी हाउ कल्चर इज शेपिंग द ग्लोबलाइजेशन सो वी नीड टू मर्ज अवर आंसर एज पर दैट क्योंकि उसने रिलेशनशिप की बात की है राइट ग्लोबलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन के डायमेंशन कल्चर कल्चर के टाइप ये सब नहीं बताना है यहाँ पे आप लोग क्या करते हो लिख के आते हो फिर आप कहते हो पेज भरा है और हमें नंबर नहीं मिल रहे हैं नंबर नहीं मिलेंगे क्योंकि क्वेश्चन का क्रक्स आप नहीं समझ रहे हो आपको प्रॉपर लिंक स्टैब्लिश करना है जो क्वेश्चन पूछा है उसकी नीड एंड डिमांड फुलफिल करनी है हमें डन लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं डिस्कस द इमर्जिंग फीचर ऑफ पीस एंड मूवमेंट इन इंडिया अब बहुत सारी चीजें देखो हमारे यहाँ पे बहुत सारे रिफॉर्म हुए हैं इसमें सोशल रिफॉर्म आते हैं एनवायरमेंट रिलेटेड सोशल मूवमेंट आते हैं पीस एंड मूवमेंट है वर्किंग क्लास मूवमेंट है वुमेन के मूवमेंट है तो यहाँ पे वो पीस एंड मूवमेंट बोल रहा है राइट right? किसी और में आपको क्वेश्चन uh, पूछ सकता है विद रिगार्ड टू द वर्किंग क्लास मूवमेंट ऑल्सो राइट right? कहीं पे हमसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि हम एक्सप्लेन करें द इमर्जेंस ऑफ द मिडिल क्लास किस तरीके से इंडिया में मिडिल क्लास इमर्ज हुई तो वो तो मैं सारे पेपर डिस्कस करूंगी कहीं ना कहीं इस तरीके के क्वेश्चन हमें मिल जाएंगे और बाकी यूट्यूब पे कवर है और जो पेड क्लास वाले स्टूडेंट हैं वो पेड क्लास पे भी कंटेंट देख ही रहे हैं तो यू आर कवरिंग इनफ टॉपिक डोंट वरी अबाउट दैट एंड अभी इस पूरे प्रोसेस में इस पूरे वीक में जब तक अभी आपके एग्जाम है तब तक हम और भी काफ़ी सारी चीज़ें कवर करेंगे सो आई होप इट हेल्प और चीज़ें समझ में आ रही हैं हिंदी में भी ये कंटेंट अवेलेबल क्वेश्चन अवेलेबल हैं एज यू कैन सी सो द पर्पज हेयर इज़ नॉट टू लाइक टीच यू द कंसेप्ट और द ऑल द क्वेश्चन यहाँ पे पर्पज ये सारे क्वेश्चन का आंसर डिस्कस करना नहीं है यहाँ पे है कि आपको एक कंटेंट uh, प्रोवाइड करा दिया जाए कि किस तरीके के क्वेश्चन जो हैं वो हमसे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं मल्टीपल क्वेश्चन पेपर देख लेंगे तो आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा चीज़ों को कवर अप करना सो आई होप इट हेल्प चीजें समझ में आई होंगी और किसी तरीके की कोई कन्फ्यूजन नहीं है इनकेस यू हैव एनी कंफ्यूजन एनी डाउट कोई टॉपिक आपको समझना है किसी कंसेप्ट में कोई डाउट है तो आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में मैंशन कर सकते हैं आई विल ट्राई टू सॉल्व योर डाउट एज सुन एज पॉसिबल So that's all for this. Thank you.